कहाँ रह गई ये? कॉल करूं क्या? प्राची मैम, प्राची आ गई होती तो मैं यहाँ रुकता क्या? टेंशन दे रखी है इस लड़की ने, इसकी टेंशन में मुझे एक दिन हार्ट अटैक आ जाना है। ऐसा मत बोलो सर। तो क्या बोलूं? इस लड़की की आदत है अपनी बातें छुपाने की, खासकर अपना दुख अपना दर्द। और क्या, 2 मिनट और नहीं आती ना तो देखती क्या हो जाता। किसे? मुझे। बीपी बढ़ा हुआ है मेरा, 2 टैबलेट ले चुका हूँ फिर भी। किसने कहा था इतनी फिकर करने को, इतना प्यार करने को? किसकी फिकर? तेरी? ना ना, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अरे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, बोर हो रहा था, सोचा कि चलो दिल्ली का चक्कर लगा लेता हूँ, थोड़ा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए। तेरी कोई टेंशन नहीं थी मुझे। पता है मुझे, तो मैं जाऊँ अपने रूम में? हाँ तू जा। अरे रुक, तुझे कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? मैं 2-3 अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ, उन्हें कॉल कर देता हूँ। किस लिए? अरे उनकी डॉक्टरी का एग्जाम हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो अच्छे डॉक्टर हैं या नहीं है। कोई जरूरत नहीं है किसी को कॉल करने की या एग्जामिन करने की, आप हमारे बॉस है ना, उतना ही काफी है। डॉक्टर के एग्जामिनर मत बनिए प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आई एम फाइन। 1000 कारण है मेरे पास इस लड़की को नापसंद करने के। हाँ तो करिए नापसंद, लेकिन सर पे मत चढ़ाइए, ओके? देखो भाई, मेरा प्यार तो इसे सर पे चढ़ा लेता है, कहीं वे गिर गई तो। अब तू ही बता, क्या ये ठीक लग रही है? क्या बोलूं? क्या बोलूं? क्या बोलो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस आराम की जरूरत है, आई नीड रेस्ट। बोलो। हाँ मैम को जरूरत तो है रेस्ट की। अच्छा जी, बॉस मैं और साइड इनकी। वाह, तू ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। तू 2-3 दिन यहाँ रुक के आराम कर, वैसे भी तेरा रूम बुक है और परसों तक तेरा घर भी फाइनल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रेस्ट कर तू। ठीक है ना? पता ना तुझे मैं हूं? पता है मुझे आप है, इसलिए मैं हूं। आप हमेशा फैमिली की तरह साथ खड़े हो जाते हो, हर वक्त, हमेशा। थैंक यू मुझे संभालने के लिए। तुझे नहीं संभालूंगा तो मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? हाँ सेल्फिश बिजनेसमैन हूं ना। तो चल जा, रेस्ट कर। मैम आपके लिए कपड़े, ये सर ने कहा ना लाने के लिए। सर इतने अच्छे हैं तो सिंपल सी बात सीधी सीधी क्यों नहीं बोलते? खड़ूस बॉस भी तो है, अपनी अच्छी साइड दिखाने में, इमोशंस दिखाने में बड़ी प्रॉब्लम है इन्हें। बिजनेसमैन इमोशनल कैसे बन सकते हैं? पर आप तो हो। हाँ इसीलिए तो दर्द भी सबसे ज्यादा होता है।